ये नया एसी है, कस्टमर के वहाँ पे लगाया था, लेकिन लगाने के बाद मशीन पे गैस नहीं था, मतलब गैस लीकेज था पहले से, तो कस्टमर ने मशीन लगाने से इनकार कर दिया है, तो रिटर्न आया मशीन, तो उस पर ढूंढेंगे हम लोग। पहले तो कस्टमर का हम लोग टॉप खोल के देखा था उस पर, कि अंदर बहुत सारे मतलब उसका जो बेस ट्रे जो है आउटडोर का, उस पर ऑयल पे भरा हुआ है, मतलब ऑयल बहुत सा ज़्यादा है। अभी हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप पे उसको लेकर आए हैं, कि ये नया मशीन है, तो कहाँ पे लीकेज है वो देखेंगे, और इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑयल नीचे का जो ट्रे है, ऑयल अभी भी पड़ा है, तो इसको थोड़ा साफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो जॉइंट है ये फट गया है। इससे क्या होता है, एक तो गैस लीकेज जब होता है तब मशीन पे ठंडा नहीं होता है, दूसरा R32 जो गैस होता है वो गैस सर्च करने के बाद भी कूलिंग नहीं आता है, बहुत टेक्नीशियन उसको गलत तरीके से गैस सर्च कर देते हैं। तो R32 का जो गैस सर्च करने का सही तरीका है, कंपनी वाला कैसे करते हैं, जैसे ये वाला जो मशीन है आप देख रहे हो, इस पर अभी इंडोर इन्वर्टर मशीन है, तो इस पर आउटडोर खाली आउटडोर पे लीकेज है, मतलब आउटडोर को ही हम लोग गैस सर्च करेंगे, इंडोर को छोड़ के, मतलब इंडोर के बिना कैसे गैस सर्च करते हैं वो भी देखेंगे। तो हम लोग इसको पूरा ओपन कर लिया हूँ कि वो काम करने में आसानी होगा और लीकेज ढूंढने में आसानी, लीकेज तो ऐसे ही नॉर्मली मिल गया है, लेकिन इसमें लीकेज नहीं मिलता तो भी इस पर क्या करते हम लोग, नाइट्रोजन के प्रेशर इसके अंदर डाल सकते थे, या कोई भी गैस, जैसे मशीन पे इस पर R32 गैस है, तो आप R32 गैस डालने से अच्छा होता है, सबसे अच्छा, तो R32 गैस डाल के उसको भी आप पता लगा सकते, क्योंकि ऑयल बहुत सारा पड़ा है, R32 में ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता है, मतलब लीकेज होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन इस पर बहुत सारे ऑयल निकला है, मतलब बड़ा लीकेज है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे सक्शन लाइन पे जो जॉइंट है, मतलब उसका जो एक्यूमुलेटर जैसे दिया हुआ है, एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटर, तो वो उसके बाद जो जॉइंट है वो वहाँ पे लीकेज है, मतलब वाल्व से जो पाइप गया है वो हाफ का है, और एक्यूमुलेटर से कंप्रेसर की तरफ जो गया है वो 3/8 का है, लेकिन 3/8 का मुंह में जो है वो स्विचिंग करा हुआ है हाफ जैसा, तो हम लोग इसको पहले काटेंगे, और ये जो जॉइंट है मतलब ये फट गया है इसको भी निकाल के, तो थोड़ा जो पाइप उसके अंदर रख के काटेंगे इसको, क्योंकि वो निकालने में आसानी होगा। तो चलिए पहले इसको काट के अलग करते हैं, फिर आगे देखते हैं किस तरह काम होता है, मतलब लीकेज को तो बंद करना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे पाइप को काट दिया हूँ, तो पाइप को काट दिया हूँ, थोड़ा पाइप रख के काटा हूँ, थोड़ा पाइप इसलिए रखा हूँ, जब हीट करेंगे ये पकड़ के ऊपर तरफ खींचेंगे तो जो टुकड़ा इसके अंदर ज्वाइंट हुआ वो निकल जाए, क्योंकि हम लोग इसी को सोल्डरिंग करेंगे, तो ये बाद में फट सकता है, क्योंकि फट जाएगा, मतलब लीकेज होगा ही उसी पर, क्योंकि जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे पाइप के ऊपर फट गया है, मतलब जॉइंट नहीं फटा है, पाइप भी फट गया है, शायद उठाने में या इसको लोड अनलोड करने में ऐसे कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, जब भी आग का काम होता है, मतलब 32 या 410 में जब भी आग का काम करेंगे, तो सबसे पहले देख लेंगे कि सक्शन वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व दोनों खुला है कि नहीं, मतलब जहाँ पे हीट करेंगे वो हीट पाइप का अंदर का जो हीट है कोई भी जगह से निकलना चाहिए, मतलब कोई भी जगह से निकल जाना चाहिए, मतलब ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ब्लॉक होगा तो क्या होगा, वो फट सकता है, या इसका आपका जो वाल्व है वो भी ख़राब हो सकता है। तो हम लोग एक जो टुकड़ा रख के उसको काटा हूँ इसको निकाल लेंगे सबसे पहले, फिर जितना भी छोटा होगा पाइप वो पाइप उसके साथ एक्स्ट्रा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी पाइप को हम लोग ज्वाइन करने जाएंगे तो थोड़ा उसका जो लचक है, मतलब पाइप का जो इजी होना चाहिए वो चला जाएगा, फिर ये वाइब्रेट का आवाज़ करेगा या फिर बाद में लीकेज होगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए 1 इंच जैसा पाइप छोटा हो गया है, हम लोग पाइप को बैंड नहीं करेंगे, घुमा सकते हैं बैंड नहीं करेंगे, इसके लिए हब का जो टुकड़ा है उसको थोड़ा 1 इंच जैसा ज्वाइन करेंगे, नीचे तरफ स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तरफ जो है हाफ का ही माप है, ऊपर की तरफ जो है 3/8 का माप है, तो 3/8 हाफ का अंदर इजी से चला जाएगा, और जो बड़ा मुँह रहेगा उसको थोड़ा प्लस से दबा के छोटा कर देंगे, फिर सोल्डरिंग करेंगे। तो हम लोग देखिए सेटिंग कर लिया हूँ, तो हाफ का जो पाइप है उसको कटर से करने के बाद
मतलब प्लस से दबाने की जरूरत नहीं है, मतलब सेम टू सेम माप का आ गया है। जब कटर से काटेंगे तो मुँह थोड़ा छोटा हो जाता है उस हिसाब से। तो हम लोगों का जॉइंट भी कंप्लीट हो गया, अभी देखिए जॉइंट कर दिया हूँ। अभी इसका काम है वैक्यूम करना, क्योंकि लीकेज तो मिल गया है। इसमें सबसे आसान तरीका होता है सिस्टम को पूरा गैस निकाल दो, जैसे छोटा बहुत लीकेज है तो पूरा निकाल दो। निकालने के बाद इंडोर लगा हुआ है तो सबसे अच्छा है, इंडोर नहीं लगा हुआ तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद, लेकिन ज्वाइन जब भी करेंगे ये चीज़ ध्यान रखना, इस पर गैस होगा तो ब्लास्ट हो सकता है हीट के वजह से। तो ये कोई भी जगह से वो प्रेशर निकल जाना चाहिए। तो हम लोग सक्शन और डिस्चार्ज दोनों एलन की खोल दिया था, तो यहाँ पे जो हीट था वो सक्शन लाइन से निकल जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इसको वैक्यूम करेंगे। जब भी जब कोई भी जगह पे आप वैक्यूम करेंगे, यहाँ पे सिंगल स्टेज पम्प में थोड़ा मुश्किल होगा, डबल सिलेंडर वाला जो डबल स्टेज पम्प होता है उससे आप वैक्यूम करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इंडोर और आउटडोर दोनों साइड पे इसको वैक्यूम करने का ज़रूरत नहीं होता है, मतलब ज़रूरत नहीं है लगा, क्योंकि इस पे तो खाली आउटडोर है नया मशीन, तो इंडोर लगा नहीं है। तो इंडोर लगा होता तो पूरा सिस्टम को लगा के वैक्यूम करके थोड़ा गैस देके मशीन को चालू करेंगे तो गैस खींच लेगा, लेकिन इसमें तो खाली आउटडोर है तो इंडोर को चालू नहीं कर सकते, सॉरी आउटडोर को चालू नहीं कर सकते हैं, तो गैस पूरा जाना चाहिए, नहीं तो आपको साइड पे मशीन जब फिटिंग हो जाएगा तब फिर गैस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस पर ज़्यादा गैस नहीं है, 650 के आसपास गैस है, मतलब 600 ग्राम गैस है, तो ये नॉर्मली चला जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि डबल सिलेंडर वाला जो सेकंड स्टेज वैक्यूम पम्प है उससे आप वैक्यूम करेंगे तो 600 ग्राम गैस जो है आराम से चला जाएगा। अभी आते हैं इसका आउटडोर का जो सिस्टम है, एक एक कोई कोई टेक्नीशियन इसको सक्शन लाइन से वैक्यूम करते हैं। जब इंडोर लगा हुआ रहेगा पूरा सिस्टम कंप्लीट रहेगा तब सक्शन लाइन का जो पोर्ट दिया हुआ है उससे वैक्यूम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिस्चार्ज लाइन मतलब कंडेंसर खरीद है उस पर कूलिंग कॉइल नहीं है, तब आपका कंडेंसर के साइड से मतलब डिस्चार्ज लाइन से वैक्यूम करना सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ के सक्शन लाइन जो है वो वाल्व से कंप्रेसर का एक्यूमुलेटर तक ही सीमित है, मतलब इतना ही सक्शन लाइन है यहाँ पे आउटडोर पे। और डिस्चार्ज लाइन देखिए, डिस्चार्ज लाइन से पूरा कंडेंसर होके पूरा डिस्चार्ज लाइन है, और डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर होके होने के बाद पूरा कंडेंसर जो है वो ओपन है, मतलब इतनी जगह पे आप एयर ब्लॉक हो सकता है तो इतने जगह आप खाली कर सकते हैं। लेकिन सक्शन लाइन पे क्या होता है, सक्शन वाल्व से लेके कंप्रेसर एक्यूमुलेटर की नीचे तरफ से की खाली इसका सक्शन लाइन है, मतलब छोटा ही जगह है। तो सक्शन लाइन से वैक्यूम करेंगे तो पूरा सिस्टम वैक्यूम नहीं होगा, गैस खींचेगा नहीं, तो इसीलिए इस हालत पे आपको डिस्चार्ज लाइन से वैक्यूम करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से वैक्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको खाली सक्शन लाइन से वैक्यूम करेंगे, सॉरी डिस्चार्ज लाइन से वैक्यूम करेंगे। तो हम लोग सक्शन लाइन को बंद कर दिया हूँ और डिस्चार्ज लाइन से वैक्यूम कर रहा हूँ। देखिए सक्शन लाइन बंद है, खाली डिस्चार्ज पूरा मशीन फिटिंग हो गया है। अभी हम लोग जो गैस है वजन करके लेकर आए हैं, तो उसी हिसाब से वैक्यूम करने के बाद पूरा गैस इसके अंदर डाल देंगे और मशीन कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम पे लग जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह